देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 53 दवाओं को टेस्ट में फेल पाया। उन दवाइयों में मुख्य नाम पैरासिटामोल, निक्लोफेनिक, एंटीफंगल मेडिसिन, फ्लूकोनाजोल जैसी 50 से ज्यादा दवाओं को क्वालिटी टेस्ट में फेल पाया गया है। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कुछ ऐसी दवाइयों का खुलासा किया है जो इलाज के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होती है। हालांकि दवाई क्वालिटी चेक में फेल हो गई है। इनमें कुछ ऐसी दवाएं शामिल हैं जो अमूमन लोग इस्तेमाल करते हैं। इनमें पैरासिटामोल, कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट्स भी शामिल है। CDSCO ने जिन दवाइयों को फेल बताया है उनमें पेंटोसिट टैबलेट भी शामिल है। ये दवा एसिड रिफ्लेक्स के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। दवा सन फार्मा कंपनी बनाती है। इसके अलावा कैल्शियम की और विटामिन डी की गोली भी क्वालिटी चेक पास नहीं कर पाई। वहीं शेलकल और फुलमोसिल इंजेक्शन भी क्वालिटी चेक में फेल हो गए हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। साथ ही अल्केम हेल्थ साइंस के एंटीबायोटिक क्लेवम 625 भी दवा परीक्षण में फेल पाई गई है। और दवाई के सैंपल फेल होने पर जब लोगों से उनकी राय जानी गई तो उन्होंने कहा कि जो कंपनियों की दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। कंपनियों के ऊपर ये फेल हुई है दवाई। लोगों को खान पीन कुछ तो ऐसा रहा नहीं जो पहले था। अब लोग बाग कुछ खाएंगे, कुछ दवाई की जरूरत पड़ेगी, दवाई ऐसी साइड इफेक्ट करेगी तो अटैक तो अपना आप ही आएंगे। लोगों की जनसंख्या अपना भी घटेगी, लोग कैसे ठीक होंगे। अब डॉक्टर के पास जावे, डॉक्टर दवाई लिख देवे, स्टोर पे जावे, कंपनी कोई सी और दे देवे, जो फेल हो चुकी दवाई भी लोग सबसे ज़्यादा सेवन करते थे, तो ऐसे में तो बहुत गलत हुआ ये। अगर दवाई पे ऐसा असर हुआ तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये कंपनी बैन होनी चाहिए। ये एक तरह पब्लिक की जान से खिलवाड़ करते हैं पैसे के लालच में। कुछ मेडिसिन माफिया जो कि अब सुनने में आया है कि 53 की दवाइयां बैन हुई हैं, जिसमें हम डेली यूज़ में पैरासीटामोल, ऐसी कई दवाइयां जो VP शुगर में लोग खाते थे। मतलब क्या इतना ज़्यादा बुरा हाल है मेडिकल लाइन का, एक मतलब जंजाल बना हुआ है पब्लिक के लिए। मैं तो आदरणीय मोदी जी से आग्रह करूंगा कि इन पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे मतलब पब्लिक की जान से कोई खिलवाड़ ना हो सके। मेरा नाम विकास गुप्ता। मैंने अभी कुछ दिन पहले TV में देखा था कि 53 की दवाइयों पे वैन लगाई है। उसके अंदर ये देखा गया है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ लगाम लगाई जाए। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री इस कंपनियों की तरफ देखें कि उन्होंने ऐसी क्या मिलावट की कि जो इनकी दवाइयाँ वर्जित हुई। और छोटी छोटी लोग मतलब जो केमिस्ट पे जाके जैसे पैरासीटामोल खुद नाम से मांगते थे, इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद भी अगर उसके अंदर उसका सैंपल फेल होता है या किसी भी तरह की उसके अंदर मिलावट पाई जाती है, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि किसी भी लोगों को एक पैरासीटामोल ऐसी टैबलेट है जो बहुत मतलब 85 तरह की बीमारियों में काम आती है, जैसे बुखार, सर्दी खांसी, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैरासीटामोल काम आती है और सबसे भरोसेमंद दवाई थी। उस पैरासीटामोल पे भी सवाल उठे तो ये बहुत शर्मनाक बात है। मैं देश के स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करूँगा उन तक ये बात पहुँचे और वो संज्ञान लें कि ऐसा कोई भी कंपनी पैसे कमाने की लालच में इस तरीके का किसी के भी जीवन से खिलवाड़ ना करें। और इस तरह से कभी भी ऐसी कोई कंपनी ऐसा सख्त कदम उठाए भारत सरकार की कि कोई भी कंपनी किसी भी तरह पैसे के लालच में ऐसा कदम ना उठाए कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ। क्या नाम? जी राम गुप्ता। बहुत ज़्यादा नुकसान है गरीब लोगों को। लोग इतने परेशान हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गई, आपकी कैल्शियम की दवाई हो गई, खांसी का सिरप हो गया और जेल हो गए किसी प्रकार के, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। क्योंकि गरीब आदमी किसी भी स्टोर पे जाता है, दवाई लेके आता है, इस तरह की नकली दवाइयाँ अगर मिलेंगी तो लोग कैसे जिएंगे, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसके बारे में।
हाँ, ये सब जायज़ बात है। तो सब जितनी भी कंपनियां पैसों के लिए ही काम करती हैं, बिना पैसों के कौन काम करता है आज के टाइम में? गलत बात है ना, पब्लिक के संग इस तरह के काम हरकत अच्छी नहीं है। देखिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा, इस पर बड़ी से बड़ी इंक्वायरी करी जाए। मुझे पता लगा कि 53 दवाइयाँ ऐसी है जिन दवाइयों के सैंपल फेल हो गए, उसके अंदर बीपी की दवाई है, शुगर की दवाई है, विटामिन की दवाई है। ये दवाई ऐसी जो लोग डेली खाते हैं, आजकल हर इंसान को बीपी की दिक्कतें हो रही है, शुगर की दिक्कतें हो रही है। अगर दवाइयाँ ही सेफ नहीं होगी तो देश की जनता कैसे बचेगी, कैसे बचेंगे लोग? तो मैं तो ये कहूँगा, जो लोग भी नकली दवाई बना रहे हैं, जिनके भी सैंपल फेल हुए, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके मकान की कुर्की करनी चाहिए और जनता के हित के लिए काम करना चाहिए।